अज लुधियाना पुलिस दे वल्लों लुधियाना दे घंटा घर अते नेड़े तेड़े दे प्रमुख बाजारां दे नेड़े तेड़े फ्लैग मार्च कढ़िया गया अते रेलवे स्टेशन दे चैकिंग भी की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल दे नाल अर्ध सैनिक बल दे जवान भी मौजूद रहे। इस मौके ते जानकारी देंदे हुए पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि पंजाब सरकार ते पंजाब दे डीजीपी दे दिशा निर्देशों के मुताबिक अज लुधियाना के घंटा घर नजदीक प्रमुख बाजारां दे विच आ के फ्लैग मार्च कढ़िया गया अते रेलवे स्टेशन दे विच चैकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए फ्लैग मार्च कढ़िया गया है। इस दौरान उन्होंने नाल अर्ध सैनिक बल दे जवान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह शरारती अंसरा नूं चेतावनी दी गई है कि वह गैर कानूनी गतिविधियां ना करन, नहीं तो पुलिस उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आज 10th मार्च 2023 मैं एसीपी नॉर्थ हूँ। हमें सरकार की तरफ से और डीजीपी साहब की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक बटालियन के जवान मिले क्योंकि हमारी असिस्टेंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दे हैव कम हियर इन ओवर एरिया विच इज जोन 1। तो ये एसीपी साहब श्री मनदीप सिंह सिद्धू, जॉइंट सीपी मैडम सोमिया मिश्रा जी की डायरेक्शन पे और मैडम एडीसीपी 1 श्री मती रुपिंदर कौर सराह उनकी सुपरविजन में हम सारे जोन के एसडीओस 1, 2, 3, 4 पुलिस स्टेशन दरेसी सलेम टावरी एंड जोधेवा सात पुलिस स्टेशन की फोर्स और हमारे पास 91 जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जिसमें ऑफिसर्स भी हैं ORs भी हैं NGOs भी हैं और ये 91 ऑफ देम। तो हमने ये हमारे जोन में जो जैसे मैंने बताया पी डिवीजन 1, 2, 3, 4 दरेसी सलेम टावरी अभी हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ पे जनरल सर्च चल रही है, कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है। इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जनरल पीपल और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जो एंटी सोशल अरेंजमेंट है जो शरारती तत्व है जो बदमाश है उनको एक मैसेज देने के लिए कि अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसको उसके हिसाब से ही निपटेंगे और उसको बिल्कुल ही स्पेयर नहीं किया जाएगा। दैट्स ऑल।